और इसको डायरेक्ट ऊंचा करके आप ट्राली में भी लगा सकते हैं। इसके अंदर जो तीन जाली दी गई हैं ताकि किसी भी प्रकार की फसल की पूरी सफाई मशीन बड़े आराम से आसानी से कर सकती है। हमारी कंपनी की एक खास बात है कि हम किसी कोई भी पार्ट बाहर से असेंबल किया हुआ नहीं लेते। कंपनी ने इसके अंदर ये फैसिलिटी दी है, ये एलिवेटर दे दिया इसके लिए। ये एलिवेटर उस कचरे को दोबारा से मशीन के थ्रेसर के अंदर लेके जाएगा ताकि वो दोबारा से प्रोसेस हो सके। किसान भाइयों, आज मैं पहुँचा हूँ खंडेलवार एग्रो इंडस्ट्री उचाणा मंडी डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा में। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ खंडेलवार मल्टीक्रॉप थ्रेशर। इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे हमारे साथ कंपनी के ओनर राम निवास जी हैं, उनसे बात करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर देंगे सर जानकारी। बिल्कुल। नमस्कार जी, सभी विश्वकर्मा दिलबा चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राम निवास जांगड़ा, खंडेलवाल एग्रो इंडस्ट्री उचाणा मंडी डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा में मेरी कंपनी है। और मेरी कंपनी पिछले कई सालों से कृषि यंत्रों का निर्माण कर रही है। इसी कड़ी में आज हम आपको मल्टीक्रॉप थ्रेसर के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो आइए साथ के साथ मैं संक्षेप में इस मशीन के बारे में आपको बताता हूँ। आगे से शुरू करते हैं। हैवी हुक दिया है जो कि एडजस्टेबल है, ट्रैक्टर की हाइट के हिसाब से कम ज़्यादा ऊंचे नीचे इसको कर सकते हैं। पीटीओ में डबल पुली दी गई है। किसान को अपनी फसल के हिसाब से अगर आरपीएम मशीन के कम या ज़्यादा करने हैं तो वो कर सकता है। बेल्टें मैकेनिक्स कंपनी की दी गई हैं जो कि एक्सपोर्ट ब्रांड की बेल्टें हैं। सभी मूविंग पार्ट्स को अच्छी तरह से कवर किया गया है ताकि फार्मर्स को कोई नुकसान ना हो, उसकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है। आइए आगे चलते हैं। एलिवेटर दिया गया है फसल को ट्राली में भरने के लिए। आप इसके साथ नीचे बोरी भी भर सकते हैं और इसको डायरेक्ट ऊंचा करके आप ट्राली में भी लगा सकते हैं। और इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक हमने ये प्लेट दिया गया है ताकि एलिवेटर को कोई नुकसान ना हो। आइए आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। मशीन के अंदर हमने तीन जाली दी गई हैं ताकि किसी भी प्रकार की फसल की पूरी सफाई मशीन बड़े आराम से आसानी से कर सकती है। ड्रम का साइज मशीन का 32 इंच बाई 42 इंच का रखा गया है जो कि काफ़ी बड़ा हो जाता है। इससे इसका फ़ायदा ये रहता है कि इसमें गिल्ली फसल में भी ट्रैक्टर बड़े आराम से चलता है, आसानी से चलता है, उस पर लोड कम आता है और डीजल की खपत भी कम होती है। मशीन के अंदर टायर दिए गए हैं बड़े साइज के जो कि एक ओरिजिनल ब्रांड के टायर हैं, अलायंस कंपनी का टायर लगाया गया है। अगर इसकी फीडिंग हेड की बात की जाए तो ये 13 बाई 16 इंच का है, बड़ा फीडिंग हेड है जिससे कम समय में बहुत ज़्यादा फसल निकल जाती है, कम समय में ज़्यादा काम कर सकता है किसान इससे। लेबर को खड़े होने के लिए यहाँ पे फुट रेस्ट दिया गया है काफ़ी अच्छा और जो प्लेट में से बना हुआ है। अगर बात करते हैं मशीन की हेड और गियर की, हमारी कंपनी की एक खास बात है कि हम किसी कोई भी पार्ट बाहर से असेंबल किया हुआ नहीं लेते। हेड और गियर की भी असेंबलिंग अपने यहाँ इन हाउस फैक्ट्री के अंदर ही की जाती है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी कंपनी अच्छी क्वालिटी के जो गियर्स का इस्तेमाल किया गया है। और एक बहुत अच्छी यूनिक ये फैसिलिटी हमने किसानों के लिए दी है ताकि इससे किसान का टाइम भी बचता है और उसका पैसे की भी बचत होती है और लेबर भी बचती है। ये दिया गया है इससे किसान है जो अपना जो फसल का भूसा है वो ट्राली में भी डायरेक्ट भर सकता है और वो नीचे भी लगा सकता है, नीचे भी डाल सकता है ताकि उसको उसका भूसे का नुकसान भी ना हो और वो अपना भूसा ट्राली में भर सकता है और इसको आसानी से मशीन के ऊपर अटैच और डी अटैच कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ये एलिवेटर, दूसरा एलिवेटर दिया गया इस साइड कचरे के प्रोसेस के लिए दिया गया है। ये जो कचरा इधर मशीन निकालती है वो नीचे बिखरता है, उसको बार बार उठा के फिर दोबारा से मशीन में डालना पड़ता था। कंपनी ने इसके अंदर ये फैसिलिटी दी है, ये एलिवेटर दे दिया इसके लिए। ये एलिवेटर उस कचरे को दोबारा से मशीन के थ्रेसर के अंदर लेके जाएगा ताकि वो दोबारा से प्रोसेस हो सके। और कंपनी ने इसके अंदर बड़े साइज का काफ़ी हैवी 150 किलो का वेट व्हील दिया है जो कि बेल्टों की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। ये मशीन भारत सरकार के द्वारा सब्सिडी के लिए मान्यता प्राप्त है। कोई भी किसान इसके ऊपर कहीं वो किसी भी राज्य का हो वो अपने राज्य से इस मशीन के ऊपर सब्सिडी करवा सकता है और इस मशीन पर फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। कोई भी किसान ये मशीन ख़रीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकता है और वो डायरेक्ट यहाँ हमारे ऑफिस में आकर भी हमसे बात कर सकता है, मशीन ले सकता है।
सभी किसानों का धन्यवाद, थैंक यू।